अष्ट सिद्धि नव निधि के स्वामी श्री हनुमान जी की असीम शक्तियों के बारे में शायद ही कोई ना जानता हो। श्री हनुमान जी की प्रबंधन क्षमता मैनेजमेंट स्किल भी बहुत उच्च कोटि की है। हम सब बजरंग बली से जीवन और प्रबंधन क्षमता के गुण सीख सकते हैं। नेतृत्व की क्षमता, प्रबंधन क्षमता में नेतृत्व की क्षमता बहुत अहम मानी जाती है। समुद्र में पुल बनाते समय बानरों की सेना से भी कार्य निकलवाना हनुमान जी की विशिष्ट संगठन की योग्यता का परिचय देती है। ये प्रसंग हनुमान जी की नेतृत्व क्षमता को दिखाती है। किसी काम के प्रति समर्पण का भाव, श्री राम की भक्ति हो, माँ सीता को खोजना हो या लंका दहन हो, हमेशा श्री हनुमान जी ने अपना काम समर्पण भाव से किया है। हनुमान जी से हमें लगन और समर्पण भाव की सीख सीखना चाहिए। श्री हनुमान जी के ब्रह्मचर्य के सामने कामदेव भी नतमस्तक हैं। संचार क्षमता, वार्तालाप की कला, कई उदाहरण रामायण में मिलते हैं जिससे हनुमान जी की, श्री हनुमान जी की संवाद कौशल का पता चलता है। उन सब में से एक मुख्य उदाहरण है जब हनुमान जी सीता माँ से पहली बार अशोक वाटिका में मिले, पर माँ सीता उस समय तक हनुमान जी को पहचानती नहीं थी। एक वानर से प्रभु श्री राम का संदेश सुनकर माँ सीता आशंकित भी हुई, पर हनुमान जी ने अपने कुशल वार्तालाप की कला से माँ सीता को भरोसा दिला ही दिया। बौद्धिक तत्परता, हनुमान जी की बौद्धिक तत्परता का सबसे बड़ा उदाहरण सुरसा प्रसंग है। श्री हनुमान समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में समय बर्बाद नहीं किया उन्होंने। श्री हनुमान ने पहले अपने शरीर का आकार बड़ा किया, फिर छोटा रूप कर लिया। ऐसा करने से वो सुरसा के मुंह से बड़े आसानी से बाहर आ गए। समाधान निकालना हर समस्या का हल श्री हनुमान जी के पास है। संजीवनी ढूंढने का प्रसंग सबसे बेहतर उदाहरण है। जब संजीवनी बूटी नहीं पहचान पा रहे थे श्री हनुमान जी, तो वो पूरा पहाड़ ही उठा लाए लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए। वीर हनुमान का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में शंका स्वरूप नहीं बल्कि समाधान स्वरूप होना चाहिए। सिद्धांतों का और आदर्शों के साथ जीवन जीना, हनुमान जी हमेशा सिद्धांतों और आदर्शों के साथ जीवन जीते हैं। जब हनुमान जी लंका में सीता माँ की खोज में गए, तब रावण के उपवन में हनुमान जी पर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वीर हनुमान इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र का महत्व तो बरकरार रहे, इसलिए हनुमान जी बंध गए उससे। परिस्थिति के अनुसार कदम उठाना, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना उचित होगा, यह गुण हम बजरंग बली से सीख सकते हैं। जब हनुमान जी पहली बार माँ सीता से मिले, तो अपने कद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ हनुमान जी माँ सीता के सामने पुत्र की भांति रहना चाहते थे, लेकिन राक्षसों का संहार करने के लिए उनके लिए काल बन गए वीर हनुमान बजरंग बली। ये 7 गुण जो भी हनुमान जी से सीख लेगा, उसका जीवन सचमुच सफल हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।